हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांग मोघा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। कोर जावा को सीखने की सीरीज का आज हमारा वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं अबाउट जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा। और आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, कि जावा का यूज़ करके हम कितने तरीके के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, कि जावा का यूज़ करके हम सबसे पहले जिन एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं उनको जिस ग्रुप कैटेगरी में रखा गया है उसका नाम है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है जिन, और आप इनको विंडो बेस्ड एप्लीकेशन ही बोल सकते हैं, जिनको कि आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन होती है ये उसी सिस्टम में या उसी मशीन पर रन करेंगे जिस मशीन पर ये इंस्टॉल होंगी। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपका मीडिया प्लेयर है, एंटीवायरस है, या आपका एमएस ऑफिस है, ये जितने भी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का पार्ट होते हैं, क्योंकि बेसिकली इनको हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। और विदाउट इंस्टॉलेशन हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, और जिस मशीन में आपको यूज़ करना है उस मशीन में ही इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। सेकेंड हमारे पास जो आता है वेब एप्लीकेशन, मीन्स कि जावा का यूज़ करते हुए आप एक वेब एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि सर्वर साइड पर रन होती है, मतलब कि जिसको हम सर्वर पर अपलोड कर देते हैं और विद द हेल्प ऑफ सर्वर के वो हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो रन करता है। जैसे कि आपकी वेबसाइट है, फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये वेब एप्लीकेशन है। इन वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में भी जावा का यूज़ होता है, जैसे कि सर्वलेट, JSP, ये जो पार्ट होते हैं एडवांस जावा की, स्प्रिंग, हाइबरनेट, JSF, इन टेक्नोलॉजी का भी हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, मीन्स कि यहाँ पर भी जावा यूज़ होता है। थर्ड हमारे पास आता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन वो होती है जो जिन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, और दूसरा लाइक आपके बैंकिंग में जो यूज़ की जाती है एप्लीकेशन उनको एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोला जाता है, ठीक है। इट हैज़ एडवांटेज ऑफ हाई लेवल सिक्योरिटी, लोडिंग, लोड बैलेंसिंग का यूज़ होता है, क्लस्टरिंग का यूज़ होता है इनके अंदर, और EJB का यूज़ होता है इन एंटरप्राइज एप्लीकेशन को बनाने के लिए। देखिए, एंटरप्राइज एप्लीकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है बैंकिंग एप्लीकेशन का, क्योंकि बैंकिंग की जो एप्लीकेशन होती है वो हाईली टाइट सिक्योरिटी से लेस होते हैं, ठीक है। दूसरा, और वो एक बड़े नेटवर्क पर उनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट और नेक्स्ट आता है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन मींस एन एप्लीकेशन विच इज़ क्रिएटेड फॉर मोबाइल डिवाइस इज कॉल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन। जिस एप्लीकेशन को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ही लिए यूज़, अगर उसको बनाया गया हो, डेवलप किया गया हो, उसे हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे कि अब एंड्रॉयड बेस्ड हमारे ऐप आते हैं, और एंड्रॉयड में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जावा का यूज़ होता है, कि अगर आप कोई भी ऐप डेवलप करना चाहते हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आप जावा यूज़ करते हैं। जो स्टूडेंट एंड्रॉयड पढ़ते हैं उन्हें पता है कि जितना भी सारा जो कोड होता है वो जावा में ही एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट, वैसे तो बहुत सारी रोबोटिक्स में जावा का यूज़ होता है, गेम्स में जावा का यूज़ होता है, तो मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जावा का यूज़ हर जगह होता है। तो बेसिकली अगर इसको हम अगर ऐसा एग्जांपल में बताएं तो आप चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर, दी एजुकेशन अकेडमी चैनल पर, हिंदी में इन सारे टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।